Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिराज सरवर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिविटी एंड शिराज सरवर। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो में हम चार DIY करने वाले हैं जो हमारे घर में वेस्ट जार और टीन कैंस पड़े रहते हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट DIY से। ये एक सिंपल सा पेंसिल होल्डर है, इसको बनाने के लिए मैंने लिया एक न्यूटेला जार। सबसे पहले तो इसके लिड को रिमूव कर दिया, हमें इसका लिड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने लिया है एक पेपर का पीस और इसको फोल्ड करके इसको कट कर लिया है हार्ट शेप में, कुछ इस तरह से। मैंने ली है क्लियर सॉल्यूशन टेप। अगर आपके पास क्लियर सॉल्यूशन टेप नहीं है, आप कलरफुल टेप भी यूज़ कर सकते हैं और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। वैसे भी हमें इस टेप को बाद में उतार लेना है, हार्ट के पीछे कुछ इस तरह से चिपकाना है। एक नहीं, आपको टोटल 3 या 4 आप जितनी भी लगाना चाहें, इस तरीके से आपने हार्ट को कवर कर लेना है। फिर इसके ऊपर न्यूटेला के ऊपर, इसको न्यूटेला के जार के ऊपर आपको इस तरीके से इसको चिपका लेना है सेंटर में, कुछ इस तरह से। डोंट वरी, अगर आपके पास सेम न्यूटेला का जार नहीं है तो आप किसी जैम का जार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है एक स्पंज और उसको पिंक कलर में इस तरीके से डिप करके टैप टैप करते हुए इसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से पूरे जार पे। ये हमने हार्ट इस पर इसीलिए चिपकाया है कि हम ये इसको बाद में पील ऑफ कर देंगे और इसके हार्ट के ऊपर पेंट नहीं हुआ होगा तो ये थोड़ी सी प्यारी लुक आएगी। एक बार पूरा पेंट हो जाने के बाद हम इसके ऊपर पेंट की सेकंड कोट करेंगे ताकि इसका पेंट थोड़ा और फिनिशिंग लुक में आ जाए। देन जो हमने हार्ट इसके ऊपर चिपकाया था, हमें उसको कर देना है पील ऑफ और फिर इसके बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आप इसको एज अ पेंसिल होल्डर, पेन स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, वैसे हम इसको रख सकते हैं। मैंने इसमें अपने पेंसिल कलर रखे हैं, लेकिन आप इसे एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो है एज अ कैंडल होल्डर। मैंने इसमें रखी है एक टी लाइट कैंडल और इसका फ्लेम ऑन कर लिया है और लाइट्स ऑफ करने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड DIY। ये भी एक जार है जिसको मैंने डबल शेड पर कलर किया है, इसको भी आप एज अ पेन स्टैंड या कैंडल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जार मेरे घर में 2 से 3 सालों से पड़ा था और ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं था, तो इसलिए मैं इसका DIY कर रहा हूँ। मैंने इसके बॉटम साइड पर पर्पल कलर से इस तरीके से स्पंज के यूज़ से डैबिंग मोशन में पेंट किया है, सिर्फ बॉटम एरिया पे, पूरे पे नहीं, सिर्फ नीचे वाले एरिया पे कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर वाले एरिया पर मैं डार्क ब्लू कलर यूज़ करके उसे भी सेम तरीके से डैबिंग करते हुए पेंट कर दूँगा और ये पर्पल और ब्लू कलर की जो लाइन अब हमें दरमियान में नज़र आ रही है, इसको हमें मर्ज कर देना है सेम स्पंज की हेल्प से। फिर इसको थोड़ी और अच्छी लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर पिंक कलर से कुछ इस तरह से फ्लावर्स बना रहा हूँ। इट्स अप टू यू, आप किस तरह के, किस कलर के और किस साइज़ के फ्लावर्स बनाना चाहते हैं। और ये हमारे जार की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। मेरा ये जार डेकोरेशन करते ही टूट गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका इसमें पेन रखे हुए कैसे लगे। नाउ मूविंग ऑन दैट थर्ड DIY। ये एक कलरफुल सा जार है, आप इसको रेनबो जार कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया एक एम्प्टी जार, ये मेरे घर में बिल्कुल खाली पड़ा था। अगर आपके पास ऐसा जार ना हो तो आप जैम का जार भी यूज़ कर सकते हैं। जार को रखते हैं साइड पे और लिए हैं मैंने 3 ग्लास। इनमें फिल करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, फिर मैंने लिया एक ब्रश पे ब्लू पेंट और इसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर दिया कि पानी का कलर बिल्कुल ब्लू हो जाए। सेम मैंने पर्पल कलर लिया है, इसको भी पानी में डिसॉल्व कर लिया है। देन मैंने पिंक कलर लिया है, उसको भी पानी में इसी तरीके से डिसॉल्व कर लिया है और पानी कलरफुल हो गए हैं तीनों। अब इनको रखते हैं पीछे और सामने फ्रंट पे रखते हैं अपना जार। तो मैंने लिया है ये वाइट क्लॉथ का पीस, इसके अंदर मैं एक पेपर की बॉल लपेट कर इसको जार के अंदर डाल रहा हूँ। देन मैं इसके ऊपर ये पिंक वाला पानी डाल दूंगा कुछ इस तरह से। इसको ब्रश से करूंगा थोड़ा सा सेट और फिर इसके बाद मैं लूंगा क्लॉथ का एक और पीस, इसके अंदर भी बॉल, पेपर की बॉल लपेट के इसको भी जार के अंदर डाल देंगे।
और इसके ऊपर मैं ये पर्पल वाला पानी डालूंगा। इसको थोड़ी सी और अच्छी लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर पर्पल कलर की ग्लिटर भी डाल रहा हूँ। डोंट वरी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन मैंने लिया है क्लॉथ का एक और पीस, इसके अंदर भी पेपर की बॉल को लपेट के इसको भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसके ऊपर मैं ये ब्लू वाला पानी डाल दूंगा कुछ इस तरह से। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी ब्लू कलर की ग्लिटर डाल रहा हूँ। देन हम इस पूरे को कर देंगे पानी से फिल, हल्का सा ब्रश से सेट करेंगे। ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसके अंदर ये रेड वाला पानी भी डाल रहा हूँ। ये रेड वाला पानी भी आप सेम कलर मिक्स करके पानी के अंदर डाल सकते हैं और इसको शेक ना कीजिएगा, इसी तरह रहने दीजिएगा। और इसका लिड बंद करके कुछ लग रहा है इस तरह का। नाउ मूविंग टू आवर फोर्थ एंड लास्ट DIY, ये एक कैटल बनाई है मैंने एक वेस्ट टिन कैन से। ये वेस्ट टिन कैन अमूमन हमारे घर में बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं, किसी भी यूज़ के नहीं होते, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। लिया है मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस और उसकी एक साइड की शीट को मैंने कर दिया है पील ऑफ कुछ इस तरह से, ताकि इस कार्डबोर्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाए। मैंने फिर इस कार्डबोर्ड का छोटा पीस लिया सीजर से कट करके, फिर उसके मैंने हॉट ग्लू लगा के इस तरीके से इसको ट्यूब की शेप में बना लिया। फिर इसके एक एज को काट देंगे कुछ इस तरह से और ये हमारी नोज़ल इसके ऊपर फिर इस तरीके से चिपकेगी इस टिन कैन के ऊपर। हॉट ग्लू की हेल्प से हम इसे चिपकाएंगे। आपको हॉट ग्लू इसके इर्द गिर्द भी लगानी है, डोंट वरी, बाद में हम इसे पेंट करने वाले हैं तो ये पेंट से सारी कवर हो जाएगी। फिर मैं इसका हैंडल बनाने के लिए पेपर का एक पीस ले रहा हूँ, उसको इस तरीके से रोल करते हुए ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगा कुछ इस तरह से। फिर आपको इस रोल को इस तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल फ्लैट कर लेना है और फिर हम इसको अपने टिन कैन के ऊपर चिपकाएंगे। इसका एक एच कर देते हैं कुछ इस तरह से फोल्ड, उसके ऊपर लगा के ग्लू, हॉट ग्लू इसको टिन कैन के ऊपर चिपका देंगे इस तरीके से ऊपर वाली साइड पर। फिर इसके नीचे की तरफ भी इस तरीके से हॉट ग्लू लगाकर आपको इसको चिपका देना है कुछ इस तरह से। और ये हमारा हैंडल भी बन चुका है। अब हमारी कैटल ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें करना है इसके ऊपर पेंट। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर पेंट करते हुए एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा, ये कि आप इसका एक बार पेंट सूख जाने के बाद पेंट की सेकंड कोट भी कीजिएगा, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।